किसी चीज को हाथ लगाने का हक नहीं मुझे। मेरे साथ बाहर निकलना तो आप गवारा नहीं करते, और जब मैं नौकरी ढूंढने निकली तो जब आपकी बीवी आपकी इज्जत बन गई। आपने कहा था आ जाऊं तो मैं आ गया, लेकिन इस किस्म की बेइज्जती की तवक्को नहीं थी मुझे। बेइज्जती? आपको बेइज्जती तब महसूस नहीं हुई जब आपकी वालदा ने जहेज की डिमांड की? तर्स खा के बानों को नौकरी दे रहा है वो। अब तुम कहोगी कि तुमसे शादी भी उसने तर्स खा कर की है। ये शादी भी उसने अपना मकसद पूरा करने के लिए की है अम्मी। देखो मुझे ये फजूल की बहस नहीं चाहिए, नहीं है ये जरा का वक्त। उठो। आप अपनी अम्मी और बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। उसी प्यार की तो आजमाइश है ये। मेरे हिस्से में तो नफरत आई है। मैं कह रहा हूँ मैं वाकई में गुस्से में था, तुमने बात ही ऐसी की थी। और प्लीज मेरे सामने रोया मत करो। रो नहीं रही हूँ, और आपका मसला नहीं अगर मैं रोऊं या हंसूं। वैसे मसला भी हल हो चुका है, बानो कल से हमें ज्वाइन कर रही है और उसकी सारी सैलरी भी हम लोग एडवांस दे रहे हैं। आई होप दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इसके पीछे भी क्या वजह मैं जानती हूँ। आशा लसी में मैं कैफुली इस झंझट में मैं भी नहीं पढ़ना चाहता था, बट नाउ आई मैनेज। तो मैं सिर्फ इसके साथ डील करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम खुश ही नहीं हो रही। सही कहते थे पापा, औरत को खुश करना नामुमकिन है। पता था मुझे अम्मा ऐसे ही करेंगी, लेकिन वो बासित उसे किसने कहा था आकर बकवास करने को? देखो वो इस घर का दामाद है और उसने कोई गलत बात नहीं की थी। आप तो चुप ही करें, घर आए मेहमानों को बेइज्जत करके भेजा है। अम्मा ने बुलाया इसलिए था कि रिश्ता जोड़ने से पहले ही तोड़ दें। अगर वो लोग रिश्ता जोड़ने वाले होते ना, इतने ही खानदानी होते तो कभी जहेज की मांग ना करते। हाँ तो जहेज देने से मना करती ना। तुम तो सबको चुप कराने में सबसे आगे होती हो, फिर क्यों नहीं रोका उसे? अरे मुझे थोड़ी पता था उसकी अम्मा ये सब बोलेगी, लेकिन अम्मा उसे उन्हें तो ख्याल करना चाहिए था ना। जहाँ बेटी देनी होती है वहाँ बात बिगाड़ने की बजाय संभालते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने तो वही किया जो बानो बाजी के साथ किया था। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ आमिर ने बहुत जल्दबाजी की। अरे तलाल बेचारे ने तो कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन आमिर ने बहुत जल्दबाजी दिखाई है। वो क्यों रुकता मजीद बेइज्जत होने को? वो बासित भाई की तरह कोई करोड़पति नहीं है जिससे अम्मा दब दब जाएंगी। आमिर प्लीज मेरी कॉल उठाओ, अम्मा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे बात करो। तुम्हारी माँ और बहन की जो इतनी बेइज्जती की उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं, और ख्याल है इस लालची का जिसे तुमसे ज्यादा जहेज के सामान की फिक्र है। तुम्हारा बाप कोई अमीरजादा नहीं था जो तुम्हें जहेज देकर रुख्सत करता या किसी खजाने का पता नहीं छोड़ कर गया था। अरे वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बासित की वजह से चुपचाप चले गए, वरना तुम्हें बेइज्जत करते। जरा सोचो, तुम्हारी उनकी नजर में दो टके की इज्जत नहीं है, उनके पीछे तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। आमिर ने कुछ नहीं मांगा। मैं जान ले लूंगी तुम्हारी अगर तुमने उसका नाम भी लिया तो। ले लें जान, बात खत्म नहीं हुई अभी। मैं बानो बाजी नहीं हूँ जो चुप करके बैठ जाऊंगी। जानती हूँ तुम जैसी बेहया अपने नाम की अम्मी, अल्लाह करता तुम पैदा होने से पहले मर जाती। मार दे मुझे, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जो अपनी मर्जी से जी नहीं सकते। अब मैं देखती हूँ तुम कमरे से बाहर कैसे निकलती हो। दो मुझे फोन दो और निकलो, निकलो बाहर। मेरा फोन वापस करें। नहीं करूंगी वापस, और खबरदार इस कमरे से बाहर निकली तो मेरा फोन वापस देकर जाएं। हटो पीछे, फोन वापस करें मेरा।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, तुम नहीं होती हमारे घर पर तो बहुत उदासी हो जाती है ना बासिफ? पता नहीं, कभी गौर नहीं किया। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आयशा की वजह से बहुत रौनक है घर पे। क्या हुआ, मेरी वजह से एज यूजुअल मूड ऑफ है या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है तुम दोनों के दरमियान? तुम्हें मिस करने लगा है ऑनेस्टली। घर आते ही करीम से तुम्हारा पूछा और घर से निकल गया। मुझे पता था तुम्हें पिकअप करने गया। आयशा, जब मैं तुम दोनों को ऐसे इकट्ठा देखती हूँ ना तो मेरे दिल में बस एक ठंडक सी उतर जाती है। अब जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम होगी ना उसके साथ, बस ये मेरे लिए बहुत बड़ी कॉन्सोलेशन है। मैं तो आपको नहीं जाने दे रही, आप कहीं नहीं जाएंगी। सलमान ने मुझसे एक्चुअली वादा लिया था कि मैं बासित के साथ रहूंगी हमेशा। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उसके दिल से अपनी नफरत कम कर सकूंगी। मगर पता है क्या, अब तसल्ली है मुझे, तुम साथ रहोगी तो लगता है कि शायद रिश्तों पर दोबारा एतबार करना शुरू कर दे, है ना? इतनी अच्छी लग रही हो तुम, मूड भी ठीक करो, कम ऑन। मैं कह रहा हूँ मैं वाकई में गुस्से में था, तुमने बात ही ऐसे की थी, और प्लीज मेरे सामने रोया मत कर। सही कहते थे बाबा, औरत को खुश करना नामुमकिन है। आयशा, जब मैं तुम दोनों को ऐसे इकट्ठा देखती हूँ ना तो मेरे दिल में बस एक ठंडक सी उतर जाती है। अब जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम होगी ना उसके साथ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी कॉन्सोलेशन है। रूम मूव करके क्या प्रूफ करना चाहती हैं? मैं सुकून की नींद सोना चाहती हूँ। अब तो काफी सुकून की नींद आएगी इस सेंस। मेरी अम्मी को जो शिकायतें की आपने, इस गलत फहमी को दिल से निकाल दें प्लीज। वैसे आपको क्या लगता है, मैं वहां से यहाँ पे आपको बुलाने आऊँ? मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ अपना सामान लेने, इन केस कोई जरूरत हो आपको। मुझे नहीं खाना, मुझे मेरा फोन ला दें। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें कुछ लाकर देना नहीं था, तो मैं ही ले आई हूँ, अब चुपचाप खा लो। मुझे उससे बात करनी है, मैं जब तक उसकी आवाज ना सुन लूं मैं नहीं खा सकती। आपका फोन कहाँ है, उसकी कॉल आई होंगी। क्यों अपना दिमाग उसके पीछे खपा रही है, थोड़ा सबर कर ले। चार दिन बाद तेरी माँ का गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा तो खुद ही फोन वापस कर देगी। कुछ दिन यहाँ रातों रात हुकूमतें बदल जाती हैं, मैं नहीं बैठने वाली चुप करके। हाँ तो जाकर मस्जिद में ऐलान करवा दो,
कि कल रात को तुम्हारा रिश्ता नहीं हो पाया। भाड़ में गई कल की बात, आपका फोन कहाँ है? जोया तू अपने साथ साथ मुझे भी फंसवाएगी। आपने साथ देने का वादा किया था पुप्पो, इसीलिए वो रिश्ता लेकर भी आया था, लेकिन जो मांगे उसके घर वालों ने रखी वो अमीर लोग तक नहीं कबूल करते, हम तो फिर गरीब हैं। और वैसे भी तू आज तक घर के हालात से नाला रही है, कम से कम अपनी इज्जत की कुछ परवाह कर ले। आप समझ क्यों नहीं रही हैं, जहेज की डिमांड उसकी अम्मा ने की थी, आमिर ने नहीं। अब मुझे फोन ला दे, मुझे आमिर से बात करनी है। बड़ी जिद्दी है भाई तू। रात उन लोगों का लालच देखकर बासित ने तुम्हें नौकरी के लिए कहा है, रहम आ गया उसे हमारे हाल पर। कम ही रहम आता है आजकल किसी को, और नहीं तो क्या। किसी के सामने मदद के लिए हाथ फैलाना तो दूर, कोई देख भी नहीं सकता, सगे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं। सगे सौतेले सब यहाँ अपने ही मतलब का जी रहे हैं। अब तो लोग इतने बेहस हो गए कि अपनी औलाद की तकलीफ तक नहीं नजर आती। ये किसको सुना रही हो तुम? जोया अभी छोटी है मुँह। मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसका भला चाहती हूँ। यूँ रोज रोज कमरे में बंद कर देना, मारना, पहरे लगाना, ये सब ठीक नहीं है। अरे तो क्या करूँ मैं? वो भी कम अकल है, इतनी समझदार नहीं कि इन हालात को समझ सके, और मेरी तरह चुप भी नहीं बैठेगी। अगर मेरी नज़र में कोई लड़का हो ना तो मैं चट मंगनी बट ब्याह कर दूँ इस बेसब्री का। पता नहीं कहाँ कहाँ से इनको आइडिया आते हैं, कभी मार के बिठा देती हैं रोल। अच्छा चलो अब सही मूड से जाना, पहला दिन है तुम्हारा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सबके दिमाग खराब है, सबके। क्या बात है आयशा, तुम अपसेट लग रही हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और कह रहा है। मुझे पता है तुम बासित की वजह से अपसेट हो ना, मुझे भी बहुत गुस्सा है उस पर। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब तुम फहद के साथ गई थी और वो वहां पर नहीं पहुंचा था। ऑनेस्टली मेरा बहुत दिल चाहता है कभी कभी कि उसके कान खींचूं, उसे डांटूं, मगर मैं जान के नहीं करती ऐसा। कहीं ये ना ना हो डार्लिंग कि वो ये समझे कि तुम मुझे उसकी शिकायतें लगाती हो। उन्हें अभी भी ऐसा ही लगता है, इसलिए आप प्लीज कुछ मत कहिएगा। इसीलिए तो खामोश हूँ बेटे। ये सब बातें मुझे इतना दुख नहीं देती जितना मैं अपने और उनके रिश्ते के खोखलेपन से अधूरा महसूस करती हूँ। आई अंडरस्टैंड, उसे थोड़ा सा वक्त दो बेटा, थोड़ा सा और वक्त। आई कैन रियली सी अ चेंज इन हिम। इंशाल्लाह तुम दोनों के दरमियान चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। वो तुम्हें मिस करने लगा है। आई स्वेयर, आई नोटिस्ड इट यस्टरडे, इट वॉज सो ऑब्वियस। किसी के आसपास होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अपनी पूरी दुनिया अपने ऑफिस में बसाई हुई है। ये आपका ऑफिस है, अगर आप चाहें तो आज से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। जवाद। यस सर। इनका अपॉइंटमेंट लेटर निकालो। बानो, जवाद, इफ यू नीड एनीथिंग ही इज गोना हेल्प यू। Thank you. Thank you. Welcome, Ms. Manu. This is your seat. You ready? जी। कुछ formalities होंगी HR के लिए, मैं आपको बता दूंगा। Okay, आप मुझे बता दीजिएगा।
जी, काफी लकी सीट है ये, इस पर जो भी बैठता है कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आपको अंदाजा होगा, आपको पता है वो लड़की जो थी ना उसका सारा। मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानना, बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। जी बेहतर, वैसे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी, अब तो आप यही हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। वैसे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे बता दीजिएगा, मेरा एक्सटेंशन नंबर 92 है। हाँ, आप तो आवाज़ भी लगा सकती हैं। थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। आयशा, बेटे घर पे कोई और था ही नहीं तो वो क्या करता, उसने अपने आप को बाहर ऑफिस में मसरूफ कर लिया। अब तुम हो, मैं हूं, अब देखो जल्दी आता है ना ऑफिस से घर। वैसे भी ये दस्तूर है, मर्द के घर में दिल करने के लिए औरत को ही झुकना पड़ता है, मर्द नहीं झुकता, औरत को ही कहीं अपनी अना छुपानी पड़ती है ताकि उसकी अना को बूझ न सके। और जब शादी हो जाती है फिर मर्द ये चाहता है कि औरत को उसकी पटड़ी से उतार कर अपने रास्ते पर चलाए, जैसे वो चाहता है, बिल्कुल वैसे अपने पीछे लगा के। उसे एहसास नहीं होता कि औरत भी इंसान है और उसके एहसासात मर नहीं जाते, क्योंकि औरत मजबूत होती है, इसीलिए घर की जिम्मेदारी औरत के कंधों पर होती है। मर्द इतना मजबूत नहीं होता, उसे औरत से सिर्फ सुख चाहिए होता है, उसके दुखों का हिसाब नहीं रखता। आयशा मेरी बेटी नहीं है, मुझे तुम्हें अपनी बेटी नजर आती। मेरी बेटी बनोगी, वादा करो तुम बासित को कभी छोड़ के नहीं जाओ। भागते वो हैं जिन्होंने गलती की, जिनमें सामना करने की हिम्मत ना हो। मुझे अगर भागना होता तो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर नहीं आता। और तुमने कल रात अपना फोन क्यों बंद कर दिया था? इतनी कॉल्स जो की मैंने? सुन जोया, मेरा ना बिल्कुल फियर है। मैंने कहा था मेरी अम्मी एक मर्तबा आएंगी, और वो झूठ नहीं बोल रही हैं। मेरे चाचा वाकई दहेज में बहुत कुछ दे रहे थे। पर आमिर तुम तो जानते हो। हाँ जानता हूँ, मना कर दिया था चाचा को तुम्हारी खातिर। आजकल लड़कियों को वाकई दहेज में बहुत कुछ मिलता है। क्या हो गया अगर मेरी अम्मी ने ऐसा वैसा कुछ कह दिया था? तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को कोई राइट नहीं बनता था मेरी अम्मी की इस तरह इंसल्ट करने का। उनकी तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। तुम्हारी माफी से कुछ नहीं होता, बेइज्जती मेरी अम्मी की हुई है। मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी। देखो मैं तुम्हें अपने घर के हालात बता चुकी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता था तुम ऐसे लालची नहीं हो। तो क्या कहना चाह रही हो, मेरी अम्मी लालची है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। रस्म और रिवाज सब एक तरफ, लेकिन तुम्हारी अम्मी तो अजीब, अपने अमीर दामाद को लाके बिठा दिया। काश बासित भाई ना आते। कैसे ना आते, वो उन्हें तो बुलाए हमारी बेइज्जती करने के लिए था। रिश्ते के दौरान इतना कंपैरिजन है तो बाद में क्या होगा? पता नहीं था कि वो ये सब कहेंगे। और जो तुम्हारी अम्मा ने कहा वो? मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा। हाँ, खुद पर तो बात आती है तो साथ मुकर जाते हो। तब से माफी मांग रही हूँ, उसका क्या? बस कर दो यार, अब खत्म समझो इस किस्से को। ऐसे कैसे खत्म समझूं? मोहब्बत की है, कोई मजाक नहीं। भाई तो मोहब्बत में मैं जो कर सकता था मैंने किया। इतनी जल्दी हार मान लिया मैं? भूल गए सारे वादे? याद है क्या कहते थे? तो क्या करेंगे? कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं तो पीछे नहीं हटी और ना ही तुम्हें हटने दूंगी। तुम मेरी बात गौर से सुनो और तुम मेरा फोन नहीं काटोगे।
तो बर्थडे रिमाइंडर है। वासित का बर्थडे है। Why don't you celebrate his birthday? हाँ, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। क्या ख्याल है? मुझे पता है उसने बहुत अरसे से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। कैसा रहेगा? मेरा फोन कहाँ पर है? शायद मेरे बेडरूम में। मैं जरा अपने इवेंट प्लानर से पूछूं, हो सकता है वो जल्दी में कुछ कर दे। हाँ, सरप्राइज जो इन्होंने मुझे दिया, ये बचपन की वो खुशियां तो नहीं लौटा सकता जो मुझे छिन गई थी। मुझे तो शुक्रिया के लिए अल्फाज ही नहीं समझ में आ रहे। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे किसी को पता ना चले कि आप मेरी फैमिली हैं। फेवरेटिज्म पे एक नई बहस शुरू हो जाएगी। समझ गई। थैंक यू। आई होप आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे वर्किंग एक्सपीरियंस है। गुड। उस महारानी से बोलो कि कमरे से बाहर निकलकर मेरा हाथ बटाए। मैं माँ हूँ उसकी, कोई नौकरानी नहीं हूँ। उसे महारानी बनकर कमरे में बैठने की आदत तुमने ही डाली खुद से भाभी। तो ठीक भी फिर मैं ही करूँगी। देखो, वो अभी बच्ची है, कम उम्र है। इतनी सख्ती करो जितनी वो बर्दाश्त कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम उठा ले। गलत कदम तो तब उठाएगी ना अगर मैं उसे मौका दूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बंदोबस्त कर चुकी हूँ उसका। पूरा शाहरुख खान लगता है। उम्र भी शाहरुख खान वाली है। ये एक लड़के, तजमुल नाम है लड़के का, और ये स्कूल मास्टर है। शक्ल तो अच्छी है, लेकिन तबस्सुम मुझे स्कूल मास्टर या क्लर्क के रिश्ते नहीं चाहिए। मैंने खुद सारी ज़िंदगी तंग दस्ती में गुजारी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों पर भी ऐसा ही वक्त आए। आयशा को तो तुम जानती हो कितने अमीर लोगों में गई है। वो अच्छा लगेगा सारी ज़िंदगी एक बहन दूसरी बहन से हसरत करती रहे, जलती रहे। नहीं भाई, शक्ल अच्छी हो ना हो, पैसे वाला होना चाहिए लड़का। अमीर ज़्यादा कोई देखो। अमीर ज़्यादा इन गलियों को रुख नहीं करते कुत्सिया। पैसे को पैसा खींचता है। वो तो आयशा की किस्मत अच्छी थी, वरना अमीर को खुद से ज़्यादा दौलतमंद की तलाश है आजकल। तबस्सुम, जब तुम्हारे मुंह मांगे पैसे मैं देने को तैयार हूँ, तो तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता दिखाने में क्या मुश्किल है भाई? अच्छा ये देखो, जागीरदार लोग हैं ये, और इनके तो नौकर भी नवाब बने फिरते हैं। लड़के का इलाज लंदन के डॉक्टर कर रहे हैं। दौरे पड़ते हैं इसे, दिमागी तवाजुन ठीक नहीं। बोलो, तुम्हारी लड़की संभाल लेगी इसे? कैसी बातें कर रही हो तबस्सुम? मुझे तो कोई ऐसा लड़का चाहिए जो इस मुंह फट को संभाल ले। कोई अकल शऊर वाला ऐसा लड़का जो इस अकल की अंधी को राह रास्त पर ले आए, इसकी लगाम कस के रखे। अरे अब ऐसी भी तो नहीं है हमारी बानो। कहाँ है, बुलाओ तो उसे। बानो ऑफिस गई, और मैं बानो के लिए नहीं, जोया के लिए रिश्ता तलाश कर रही हूँ। तो बानो को कुंवारा बिठाओगी क्या? अरे भाई, वो ऑफिस जाती है, अभी नहीं करनी उसे शादी। घर बिठा के बूढ़ा करोगी क्या? अच्छे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, उम्र निकल जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अच्छा तबस्सुम, तुम मुझे हिदायतें मत करो। जब मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे जोया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता दिखा दो, तो फिर दिखा दो भाई। जाओ और आज से ही तलाश शुरू करो। अच्छा चलो, मैं देखती हूँ। ये बासित के दादा हैं। दिस इज व्हेन वी वेंट टू टर्की। ही वाज सो फैसिनेटेड बाय द पिजन्स।
ये बासित की वो बर्थडे थी जो मैंने आखिरी दफा इसके साथ सेलिब्रेट की थी। हाँ जी, उदास मत हो, मेहमान आने वाले हैं। क्या है ये सब? तेरा बर्थडे कैसा लगा? आयशा भाभी ने प्लान किया है। तो तुम लोगों को पता है मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। ये तेरा दूसरा जन्म है, अब तेरा हर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्यों भाभी? हैप्पी बर्थडे। चल आजा, लेट गो, केक काटते। चल 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 चल। नाइफ? आई न्यू इट, तुम लोग नाइफ भूल जाओगे। गाइस कोई कैंडल नहीं है, कैसे बोल रहे हो? तू गुजारा कर ले थोड़ा सा। मैं ला रही थी। या शी इज राइट, शी टोल्ड मी, माय बैड। ओके वेल, यस गाइस, आज केक काटने से पहले तुम सबको किसी से मिलवाना चाहता हूं। यहां पे मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, फहद, रूबी, हिना, जावेद। थैंक्स फॉर कमिंग। इनसे मिलो, ये मेरी मदर है। जो कभी भी मेरी बर्थडे पे नजर नहीं आई, क्योंकि मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। मैं केक नहीं काटता था, इनके इंतजार में। याद है ना तुम सबको? तब नैने मैं याद था ना मेरा बर्थडे, ना ये सरप्राइज। क्योंकि अपनी नई फैमिली के साथ बिजी थी। है ना?
आज ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? मुझे पता है आपका रिश्ता, पर मेरा रिश्ता वैसे ही रहेगा। ये सरप्राइज जो इन्होंने मुझे दिया है, ये बचपन की वो खुशियां तो नहीं लौटा सकता जो मुझसे छिन गई थी। सही कह रहा हूं ना? मेरे बाबा से ताल्लुक खत्म करने के बाद भी ये आज मेरी मां कहलाती है। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि मां कहलाने में और मां बनने में फर्क होता है। Come on, guys. Let's get the gig. Clap. करो बेटा, कम आउट एंड कट द केक। कॉल कर मम्मा को, उन्होंने कहा था ही विल कम। जिद मत करो बेटा। आई वांट माय मामा, आई वांट माय मामा। ओ मामा, ओ मामा। कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन? ठीक था। खाना लगाऊं? नहीं, थोड़ी देर में खाऊंगी, अभी तो पानी लेने जा रही थी। पैसे कितने मिलेंगे? मेरा मतलब है तनख्वाह पूछी तुमने? ये सवाल करके मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। जॉब देकर वैसे ही एहसान कर रहे बासित, इतना ही बहुत है। एहसान कैसा? तुम नौकरी कर रही हो उसके ऑफिस में, और अपनी मेहनत की कमाई पूछने में कैसी शर्म? और वैसे भी ज़रूरत के वक्त अपने ही काम आते हैं ना, गैरों को तो अपना हाल नहीं सुना सकते। कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी तो देख लूंगी, उस पर लिखे होगी सारे। मेरी तो नींदें उड़ गई हैं भाई, कुछ पैसे हों तो इस जोया को तो रुख्सत करूं मैं। फोन उठाया। जी डॉक्टर साहब,
इनका ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ब्रेन हैमरेज के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन वो अब कैसी हैं? देखिए, जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन्हें 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। जोया, ये सूट पहनकर तैयार हो जाओ। क्यों? ज्यादा बहस मत करो, तुम्हारी बात सुन ली, मान भी ली, अब जैसा कहूंगी वैसा करोगी तुम। वजह ही तो पूछ रही हूँ, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? वजह भी पता चल जाएगी, बस तुम तैयार हो जाओ। क्या हो रहा है, कुछ पता है? पता नहीं, सुबह से तुम्हारी अम्मा तैयारियों में मसरूफ है। मैंने पूछा तो कही थी कि कुछ मेहमान आ रहे। अरे आप लोग कुछ ले ना, खाना पीना तो चलते ही रहेगा, पहले आप अपनी बेटी को तो बुलाइए। असल में यावर को किसी दावत में जाना है तो हम जरा जल्दी में। ये खाइए, ये मैंने अभी ताज़ा तैयार किए। थैंक यू। आ रही है, आप ले। अरे भाई, तुम्हारी अम्मा कब से कह रही कि उससे को चाय लेकर आए। मैं नहीं लेके जा रही चाय भाई, पता नहीं कौन लोग हैं। सोया जिद, क्या हो गया भाई, अभी तक चाय क्यों नहीं आई? मैं तो इसे कब से कह रही हूँ भाभी के लेकर जाए। चलो जल्दी से लेकर आओ चाय, और दुपट्टा जरा सही तरह से, तमीज से। क्या हो गया माँ? मैं कर देती हूँ भाभी, आप चले जल्दी से आओ। हाँ हाँ, बस चलो शाबाश। आओ बेटा। बैठो ना भैया। हाँ हाँ, बैठो बैठो। और बताओ, पढ़ती हो? कॉलेज में हूँ। गुड। यावर, कैसी लगी तुम्हें जोया? हाँ, ये बानो है जी, मेरी बड़ी बेटी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और बानो, आप क्या करती हैं? ऑफिस जॉब करती हूँ। हमारी तरफ से तो बात पक्की समझिए, जल्दी में हम कुछ ला नहीं सके, मेरी तरफ से जोया को दे दीजिएगा। शुक्रिया। आपकी तबीयत कैसी है आंटी? आसिद कहाँ है? वो अभी यही थे, बहुत परेशान थे आपके लिए, फिर उनको ऑफिस से बार बार कॉल्स आ रही थी तो उनको जाना पड़ा। आ जाएंगे। सलाम अलैकुम आंटी, कैसी तबीयत है आपकी? ऐसा करो, जरा नंबर डायल करके मेरी भासित से बात तो करवाओ। अब आंटी वो आ जाएगा, अब मेरी उससे बात हुई है। अब एक्चुअली उसकी जहाँ पे मीटिंग है ना, वहाँ पे सिग्नल इश्यूज थे, तो मेरा जैसे ही कांटेक्ट होता है मैं आपकी बात कराता हूँ।
फन बोल। बासित कहाँ है तू? आंटी हॉस्पिटल में ब्रेन हैमरेज होते होते बचा है उन्हें। बीपी शूट कर गया था उनका। क्या? खोली मैं ना कुछ बोली सही।